हाय कृष्णा, कार्तिक मास में मेरा दिनचर्या है। सुबह के 3:30 बजने वाले हैं और मैं उठ चुकी हूँ। एंड अभी बस मैं थोड़ा पानी पीकर पूरे घर में झाड़ू लगाकर अभी पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मैंने लगा लिया है। अभी 4:15 बजने ही वाले हैं बस। एंड मैं नहाने के लिए जा चुकी हूँ और नहा के आ भी चुकी हूँ। बस अभी अपने गोविंद को उठाऊँगी, अपनी कृष्णा को, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से अभी उनको उठाकर उनको जल पिलाऊंगी, उनको स्नान कराऊंगी ताकि उनको बहुत सुंदर सुंदर मैं बना दूँ। तो अभी मैं उनको बहुत अच्छे से स्नान कराने वाली हूँ और बेसिकली मुझे उनको येलो ड्रेस पहनाना था बट वो मैं नहीं पहना पाई किसी रीज़न की वजह से। देन अभी मैं उनको पिंक ड्रेस पहनाऊंगी। और एक चीज़ सेम था उसमें कि मैंने भी पिंक एंड वाइट पहना था, तो सेम मेरे गोविंद ने भी वही पहना है। तो उनको वही पहनने का मन था तो उन्होंने वही पहना। और उनको रेडी करते करते मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी, पूरी बहुत सारी, मतलब जो जो होता है, जो जो मैं चीज़ें देखती हूँ सुनती हूँ वो सब मैं उनको बताती हूँ। तो उनसे बहुत सारी बातें करने के बाद, उनको रेडी करने के बाद, मैं उनको अच्छे से बैठा देती हूँ। और यहाँ मेरे गोविंद ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। बस अभी उनका ऑलमोस्ट सब रेडी है, यहाँ पर उनका फाइनल लुक ये है। एंड यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ तिलक। बेसिकली 12 जगह तिलक लगता है शरीर पर, लेकिन मैं अभी अपने मस्तक और कंठ पर लगाती हूँ। जब भी हम तिलक लगाते हैं मस्तक पर या शरीर में 12 जगह, तो गोविंद के नाम बोले जाते हैं। मस्तक पर लगाते टाइम हमें ओम केशवाय नमः ये बोलना होता है और कंठ पे लगाते टाइम ओम गोविंदाय नमः। तो ये 12 जगह शरीर पे तिलक लगते हैं जिसमें हमें गोविंद का नाम बोलना होता है। बस ऑलमोस्ट मैंने लगा लिया है तिलक भी और कंठ पर भी मैं लगा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 4:30 बज चुके हैं और यहाँ मैं आरती स्टार्ट कर रही हूँ। हरे कृष्णा। अभी सुबह की 5:15 हो रहे हैं और मैं अपना जपा करने बैठ चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक, इवन 7:45 तक मैं अपना जपा कंप्लीट कर लूँगी। और यहाँ पर जपा कंप्लीट हो गया है, अब आती है भोग की बारी। यहाँ मैं उनको भोग लगा रही हूँ। ऑलरेडी मैं गोविंद को एप्पल का भोग लगा चुकी हूँ,